बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं काफ़ी बेहतर हूँ। बस थोड़ा सा दांत में प्रॉब्लम था और सुबह गई थी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास जाते हुए एक छोटी सी मैंने वीडियो जो थी ना कैप्चर किया आप लोगों से। देखिए ना कितना पुरसकून और खूबसूरत जो है ना यहाँ का माहौल है। धूप भी बहुत ज़्यादा थी। आप लोग बचाएं बच्चे, आंटीज, बेटियाँ, मेरे भाई और मेरी दोस्तें सब कैसी हैं? यकीनन खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी तकलीफ से दूर रखे, और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। ये बाहे की जगह थी, लॉन था डॉक्टर का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलिए छोटा सा क्लिप बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। बड़ा नीट क्लीन हमारा डॉक्टर का क्लिनिक था और बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा था ये क्लिनिक है, लगता था ये घर है। फिर मैं अंदर आके कार्ड अपना देके मैं वेटिंग रूम में बैठ गई, और आप वेटिंग रूम देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। ये पूरा एक विला है, डॉक्टर ने अपना विला ख़रीदा हुआ है जहाँ पे ये अकेला बैठता है, और इसके अंदर बेशुमार इसके पास श्वेस्टर हैं, बैठती हैं, और बड़ा खूबसूरत तरीके से इसने अपने क्लिनिक को सजाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। नीट और क्लीन सबसे बड़ी चीज़ ये है, पता नहीं चलता कि आप किसी क्लिनिक पर आके बैठे हुए हैं। टीवी लगा हुआ है यहाँ पे है, माशाल्लाह साफ सुथरे बाथरूम, बड़ा खूबसूरत सा, दिल खुश हो जाने वाला। वापस आई घर तो बच्चों के लिए था, ब्रेकफास्ट कह सकते हैं आप, लंच कह सकते हैं। आज मैं आपसे बची हुई चीज़ों का तरीके से आपको ब्रेकफास्ट बताऊंगी, जिसमें क्या क्या जाएगा वो सारा मैं आपको बताऊंगी इजी वे में। आपका अगर सालन बच जाता है, उससे आप अपने चिकन का सालन हो, आप अपने बच्चे के लिए कीमे का सालन हो, वो कैसे बना सकते हैं। मैंने 5 अंडे ले लिए, 5 बच्चे थे, उस हिसाब से मैं मेरे समेत, लेकिन मैंने तो खाना नहीं था, मेरे दांत में ना ऑलरेडी फीलिंग हुई हुई थी, मेरा रूट कैनाल ख़त्म हो गया था, तो वो डॉक्टर ने दोबारा नहीं आ किया है। तो शिमला मिर्च थी मेरे पास, और मेरे पास बचा हुआ चिकन था, बहुत मज़े की। कल मैंने रेसिपी बनाई थी, वो कल अपलोड करूँगी, आपसे शेयर करूंगी। और मैं 3 तरीके से ना बच्चों का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ एक ही ब्रेड के साथ, वो क्या तरीका देखेंगे। चिकन मेरे पास जो बच गया था, इसको मैंने ब्रेड में डाल के इसको फोल्ड किया, और इसको कप की मदद से एक साइड से काट लिया। जो काटूंगी ना ब्रेड, इसको मैं ज़ाया नहीं करूंगी, इसके साथ मैं दूसरा वाला जो है ना आपके साथ ब्रेकफास्ट शेयर करूंगी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये थोड़ा सा इधर से फट गया था, लेकिन नो प्रॉब्लम, हमने इसको अंडे में डिप करके इसको फ्राई करना है, और हमारा मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट कह सकते हो, स्नैक कह सकते हो। आप स्नैक्स को भी इस पर बना सकते हैं ना, इसको आप स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं, लंच बॉक्स में देख सकते हैं, अपने मियाँ को ऑफिस में दे सकते हैं। मैं बच्चों को इस तरीके से, जब मेरा हो ना, मेरी तबीयत ठीक ना हो, और दूसरी चीज़ जो आपकी चीज़ बच जाती है उसको ज़ाया मत किया करें, इस तरीके से बना लिया करें। वैसे ये वाइट ब्रेड इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, नॉर्मली मैं ब्राउन ब्रेड खाती हूँ, ब्राउन ब्रेड सेहत के लिए अच्छी होती है, वाइट तो बिल्कुल ही भरी हुई होती है फैट से। देखिए ये मैंने 5 पीस बनाए थे। अब मैंने ऑयल गर्म कर लिया था, अंडा मैंने फेंट लिया था। आपको मैं 3 तरीके बताऊंगी एक ब्रेड को किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ तरीके से। जब आप बच्चों के लिए बनाती हैं ना, हालांकि मेरे बच्चे बड़े हैं लेकिन इजीली खा लेते हैं। और ये देखें हमारे पास ये चिप्स वाला एक मिक्सर पाउडर है, जिसमें नमक है, हर्ब्स पड़े हुए हैं इसके अंदर, सुरख मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, लीडल से मिल जाता है, हलाल है, हम खा सकते हैं। ये थोड़ा सा डाला अंडे के अंदर, ठीक है, और कुछ भी नहीं डाला। और इस तरीके से मैंने जो गोल ब्रेड काटी थी ना कप के साथ, ये देखें इस तरीके से मैं इनको फ्राई करते जाऊंगी, बिल्कुल ज़रा भी ये बाहर नहीं निकलेगा। दरमियानी आँच पर जो है हमने इसको फ्राई करना है, और बच्चे भी खुश, माँ भी खुश, और जल्दी से जान भी छूट जाती है, और आपकी चीज़ ज़ाया भी नहीं होती। देखा ना कितनी अच्छी चीजें आपको बताती हूँ। अब इस तरीके से इनको मैं डिप करती जा रही थी अंडे में, और आप रखती जा रही थी ऑयल में फ्राई करने के लिए। ये 5 थे तो मैंने 5 ही बनाया था, चिकन के हिसाब से था। अभी चिकन मेरे पास बच गया था तो मैंने कहा इसको भी क्यों जाया करूं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने उसके साथ उसके सैंडविच बनाए, किस तरीके से बनाए, उसके अंदर मैंने क्या लगाया वो भी बताती हूँ। मेरी बहनों वीडियो मेरी लंबी होती है, प्लीज एड के साथ देखा करें, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक तो वीडियो को लाइक किया करें और एड के साथ देखा करें, वीडियो को तेज करके मत देखा करें प्लीज, अगर आप लोगों ने देखनी होती है। देखो मैं बड़ी मुश्किल से बनाती हूँ, फिर वॉइस ओवर करती हूँ, फिर आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ, आपको छोटे छोटे टिप्स देती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा एहसास आप लोगों को करना चाहिए। अब जो कटी हुई ब्रेड थी ना वाइट वाली, ये देखें आपको मैंने दिखाई है ना, मैंने फ्राई पैन में 1/2 टीस्पून मैंने बटर डाला, देसी घी डाले, ऑयल डालें जो आपको पसंद है, मैंने इसमें देसी घी डाला और ब्रेड को इस तरीके से हल्का फुल्का हला दिया। अब इसको मैं उल्टा करूंगी और इसके अंदर मैं क्या डालूंगी वो देखें।
इस तरीके से बच्चे भी खुश हो जाते हैं और माओ के लिए भी आसानी हो जाती है। ब्रेड के अंदर मैंने डाल दिया अंडा आपके सामने, जो दरमियान से कटी थी, जो एक फ्राई कर रही हूँ उसका ये वाला हिस्सा था, इसको डाल के इसके अंदर मैं शिमला मिर्च, प्याज और मेरे पास ये शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर छोटे छोटे बारीक काट के रखे हुए थे, ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। इस अंडे के ऊपर, कच्चे अंडे के ऊपर हमने डालना है। नीचे से ब्रेड जो है वो पक रही है हल्की आँच पे, बिल्कुल दम वाली आँच पे इसको हमने पकाना है, तब ये प्रॉपर तरीके से पकेगा हमारा अंडा। इस तरीके से मैंने अंडे को पका लिया और इसी के ऊपर जो वो मैंने आपको बताया था ना, चिप्स वाला पाउडर जिसमें सारे हर्ब्स होते हैं, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया, जिसमें शिमला मिर्च, दड़ा मिर्च, नमक होता है, जीरा होता है, इसके अंदर सारे मसाले आ जाते हैं चिप्स में हम डालते हैं, लेकिन मैंने आज इस पे डाला। कभी कभार थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए। उधर जनाब मेरी बेटी भी थी बड़ी वाली, वो चाय ज़रूर पीती है, मुझे खुद भी चाय की बहुत तलब होती है, लेकिन मैंने ये फिर खाना 2 घंटे के बाद खाया था, लेकिन बहुत ही मज़े का, हद से ज़्यादा मज़े का ये बनता है मेरी बहनों, एक दफ़ा ट्राई करना बनता है। इसको मैंने 2 मिनट के लिए सेक सा दिया। ये देखें जी, हमारा जो ये छोटा वाला ब्रेड का था ना सैंडविच, ये रेडी हो गया था, जिसको मैंने फ्राई किया और उस साइड पे जो फ्राई पैन के अंदर है इसको मैंने उल्टा किया, इसके ऊपर चीज़ रखा, अब फिर मैंने इसके ऊपर चीज़ रखा, हल्का सा बटर देसी घी लगाया ब्रेड के ऊपर और वो ब्रेड उसके ऊपर दूसरी वाली रख दी। ठीक है, इसको ऊपर से प्रेस करना है। ठीक है, एक बच्चे के लिए 2 ब्रेड का ब्रेकफास्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर अंडा भी चलेगा, जिसके बच्चे सब्जियां नहीं खाते, चिकन नहीं खाते, जिसके बच्चों को नहीं पसंद अंडा, नहीं किसी को पसंद, आप अपने बच्चों को इस तरीके से एक दफ़ा बना के देखें, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ बच्चे खाएंगे। मैं बता रही थी ये वाली ब्राउन ब्रेड जो है ना मैं खाती हूँ, वाइट ब्रेड मैं बिल्कुल घर में नहीं लाती, कभी कोई चीज़ बनानी हो ना इस तरह की तो, या मेरी जिस सेकेंड वाली बेटी है उसको वाइट ब्रेड पसंद है, अदरवाइज नहीं। उधर मैं सैंडविच बना रही थी, जो चिकन बच गया था ना उसका मैंने वो बना दिया सैंडविच। ठीक है, उसके अंदर चीज़ लगा के तीसरी रेसिपी मेरी वो सैंडविच वाली है, दूसरी रेसिपी मेरी ये आपके सामने है। कटी कटी हुई जो ब्रेड थी उसको मैंने ज़ाया नहीं किया, उसके अंदर अंडा डाला, ऊपर सब्जियां डाली, ऊपर हर्ब्स डाले, मसाले जो आपको पसंद है, उसके ऊपर मैं उल्टा करके चीज़ रखा, चीज़ के ऊपर फिर मैं एक ब्रेड रखी, उसके ऊपर आप ये मसाला डाल दिया। देखा, आया ना मज़ा, आया ना मज़े का। मैंने आज अपने लिए चीज़ वाला बनाया था क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे से चीज़ नहीं खाया था और मेरा बहुत दिल था कि मैं कोई हैवी चीज़ खाऊं। वैसे जिम भी जाती हूँ और स्विमिंग भी करती हूँ, वेट तो माशाल्लाह मेरा 8 से 9 किलो कम हो गया खुद ब खुद ही। अब तो ऐसे होता है पैंट जब पहननी होती है तो वो बेल्ट पहननी पड़ती हैं, इतना मतलब जिस्म हल्का होता जा रहा है और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैंने ये चीज़ लगा दिया, इसके ऊपर फिर ब्रेड निकाल दिया क्योंकि 5 के लिए बनाना था ब्रेकफास्ट, बच्चे जो थे वो आ चुके थे, स्कूल के स्टार्ट हो गए हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें ये बना के दें, तो चीज़ें भी सारी अवेलेबल जब होती हैं ना घर में तो फिर मैं ईजीली बना लेती हूँ। अभी बल्कि मैंने स्विमिंग के लिए निकलना है, स्विमिंग करके आके फिर इंशाल्लाह लाइफ करूँगी अपनी, रूटीन अपनी हमारी वही होती है। हस्बैंड के लिए अभी आते से खाना बनाया है, उनके लिए दाल बनाई है, उन्हें दाल का था कि दाल मुझे पसंद है, गर्मी है, गर्मी में दाल अच्छी लगती है, साथ उनके लिए रोटी बनाऊंगी। ये देखिए जो कटी हुई ब्रेड थी उसको इस तरीके से मैं इस्तेमाल करती हूँ, कभी भी अपनी ब्रेड को ज़ाया ना करें। ठीक है, अब उसमें अंडा डाला, फिर मैंने सब्जियां डाली सारी, टमाटर इसके अंदर डाला, इसको 2 मिनट मैंने सेका दिया, ऊपर वो मसाला डाला चिप्स वाला, आप सुरख मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो चिप्स वाला मसाला ना इसमें बड़ा बड़े मज़े का ये खट्टा मीठा सा, तो ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, अक्सर चिप्स बनाती हूँ ना तो उनके ऊपर ये डाल के खाते हैं। इस तरीके से मैंने सारी ब्रेड के ऊपर जो है ना वो सब्जियाँ डाल के थोड़ा सा देसी घी ऊपर ड्रॉप्स के साथ डाला, उसको उल्टा किया, अब इसके ऊपर मैंने ना ये देखे मैंने फिर चीज़ रखा, और चीज़ आप पिज़्ज़ा वाला भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप पिज़्ज़ा वाला रख ले रही, ये सैंडविच था मैंने यही रखा, अंदर भी इसके हल्का सा ड्रॉप देसी घी के लगाए, ऊपर भी देसी घी का ड्रॉप लगाया है, आँच आपके सामने हल्की रखी हुई है, और इस तरीके से इतने मज़े का क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से इतना क्रिस्पी ये ब्रेकफास्ट बना था। मेरी बहनों एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको ये तरीका मेरा कैसा लगा ब्रेकफास्ट बनाने का, डिफरेंट 3 तरीके से, अंडा, सब्जियां और ब्रेड, जिनके बच्चे जो जो नहीं ना खाते उनके लिए सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट है। मैं टेबल पे आ चुकी थी, चाय भी बन गई थी और ये था मेरा, क्योंकि उसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा चीज़ डाला था आज, पता नहीं क्यों अरसे के बाद मेरा दिल कर रहा था, और साथ सैलेड, इसके बगैर तो हमारा नाश्ता कम्प्लीट ही नहीं होता।
ब्रेकफास्ट में सैलड होना बहुत ज़रूरी है, लंच में होना ज़रूरी है, और कभी हमारा ये होता है कि ब्रेकफास्ट ना हो तो वो लंच हो जाता है और लंच ना हो तो डिनर, तो सैलड ज़रूर होता है और खाना भी चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छा है। डाइटिंग के लिए सैलड बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे आदतर मैं खाती हूँ ये देखें जी हमारे सैंडविच जिसमें मैंने चीज़ डाला था, चिकन और चीज़, ये भी मज़े का बन गया। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो जब शुरू करते हैं तो लाइक का बटन दबा दिया करें और अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट किया करें, ताकि आप जब अप्रिशिएट करते हैं ना फिर दिल करता है आपसे अच्छे अच्छे ब्रेकफास्ट, अच्छे अच्छे लंच, अच्छे अच्छे डिनर, अच्छे अच्छे व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हर काम पर मेहनत होती है तो मेहनत का रंग तो मिलना चाहिए ना, जो आप मेहनत करते हैं वो रंग, वो तो आप लोग अप्रिशिएट जब करते हैं तो फिर दिल खुश हो जाता है। घर वाले तो करते ही करते हैं, उनकी तो मौजें ही मौजें हैं। तो बाकी अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, जाते जाते इतने कहूँगी खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, हर एक का भला करें, जो नाराज़ है उनसे नाराज़गी ख़त्म करें, गिले शिकवे दूर करें। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, आज है कल नहीं है, हंसते खेलते गुजारें। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, आप लोग हमेशा मेरे साथ, आप सब लोग होते हैं दुआओं में, और ख़ास तौर पर मेरी दोस्तें, उन सब का बहुत शुक्रिया, बहुत मेरे साथ तामन करती हैं। मेरी बहनों का बहुत शुक्रिया, अक्सर मैं कमेंट पढ़ती हूँ और बड़ा दिल खुश हो जाता है। बीमार होती हूँ तो सारे मैसेज करके बार बार पूछते हैं, कोई व्हाट्सएप पे, कोई इंस्टा पे, कोई टिकटॉक पे पूछेगा कि आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है, कि किसी को पता चल जाता है, बहुत दिल खुश हो जाता है। तो बस इतना ही कहूँगी, इस तरह का नाश्ता अपने बच्चों के लिए, अपने मियाँ के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो, अच्छे से व्लॉग, अच्छी सी लाइफ में, अच्छे से रेसिपी में शामिल होंगी। अल्लाह हाफिज़।